फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भी सर, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर। एंड फ्रेंड्स, आज हम फिर से जो है नई वैकेंसी लेकर के आए हैं नर्सिंग वालों के लिए। और यहां पे देखिए अच्छी पोस्ट भी है, तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। ये वाला जो वेबसाइट है ये आप सर्च कर लीजिएगा, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा नीचे स्क्रॉल करने के बाद, ये वेबसाइट में आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा करके लिखा है नंबर। तो आप 2 में भी चेक कर लेना, 3 में भी चेक कर लेना, 4 में चेक कर लेना। फिलहाल मेरे में 4 में दिखेगा ये जो नोटिफिकेशन है वो, तो मैं 4 वाले पेज में आ जाती हूँ। और 4 वाले पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे PDF हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारा जो PDF है नर्सिंग वालों से रिलेटेड, उसको देखते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमको 4 में, तो 5 हो गया था सॉरी, तो 4 में चेक करते हैं एक बार फिर से। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ पे नर्सिंग के साथ साथ और कुछ कुछ मेडिकल फील्ड का भी है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, मिल गया हमको ये 229787 इसका न्यूज़ आईडी है। फिर यहाँ पे कैप्शन में देखिए, मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, 15 CHC और 1 सैटेलाइट अस्पताल उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत 854 नवीन पदों का होगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल नहीं है, 23 जुलाई को आई हुई है। और यहाँ पे ये इसका PDF है, बट यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करके दिखा देते हैं पूरा आपको। तो ये ओपन हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, 15 CHC और 1 सैटेलाइट अस्पताल उप जिला चिकित्सा में क्रमान्वितो 854 नवीन पदों का होगा सृजन। ठीक है, मतलब 854 पोस्ट निकलेंगी अभी, उन पे आपको भर्ती होंगी। तो कौन कौन से पोस्ट रहेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है पूरा, 23 जुलाई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 राजकीय सैटेलाइट अस्पताल को उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किए जाने एवं उनके लिए 854 नवीन पदों के सृजन तथा 15 मैन विद मशीन की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे नए नए स्टाफ के साथ नए नए मशीनें भी आ जाएंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो विशेषज्ञ K29, कनिष्ठ विशेषज्ञ के हैं 69, वरिष्ठ विशेषज्ञ के हैं 29, कनिष्ठ के हैं 68, वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी के हैं 19, चिकित्सक अधिकारी के हैं 47, चिकित्सक डेंटल का है 1, नर्स श्रेणी में है 42, नर्स श्रेणी द्वितीय प्रथम में है और द्वितीय में है हमारा 341, फार्मासिस्ट के 20 पोस्ट है, रेडियोग्राफी संवर्ण के 49, लैब टेक्नीशियन के हैं 43, डेंटल टेक्नीशियन के हैं 4, नेत्र सहायक के 3, फिजियोथेरेपिस्ट के हैं 3, और लेखाकार के हैं यहाँ पे 2, कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक के हैं 24, महिला स्वास्थ्यकर्ता के 16, वार्ड बॉय के 76 पोस्ट हैं वार्ड बॉय के, और यहाँ पे सफाई कर्मचारी के 67 पद, सहित कुल 854 नवीन पदों के सृजन एवं 15 मैन वीक मशीन की सेवाएं लेने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य था CHC था उसको उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे इतने सारे पोस्ट जो है, टोटल जो है 854 पोस्ट है, यहाँ पे सभी पोस्ट जो है भरपूर है, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे JNM BSc और ANM वालों के लिए भी है, सभी के लिए वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इस साइट पे जाकर के अभी चेक कीजिए। और यहाँ पे लास्ट डेट क्या क्या है ये सब चीज़ को चेक कर लीजिए एक बार कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आपने BSc JNM ANM किया है तो आप तो ज़रूर एलिजिबल है, साथ में फार्मासिस्ट वगैरह, डेंटल टेक्नीशियन, डॉक्टर सभी इसके लिए एलिजिबल है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो इसके लिए एलिजिबल है उसको ये वैकेंसी मिल सके। तो ऐसी ही नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।